हाय गाइस, मैं कुशल हूं आईसर भोपाल से, और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 10.4 सीखेंगे, जिसमें हम इम्पल्स ट्रेन सैम्पलिंग के बारे में जानेंगे। तो इम्पल्स ट्रेन सैम्पलिंग कहां से आती है? इस वीक के जो पहले तीन मॉड्यूल थे उसमें हमने डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के बारे में जाना कि अगर हमारे पास कोई डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम है तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा कि जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स होते हैं उनको भी हम कॉन्वोल्यूशन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हम कंटिन्यूअस टाइम में करते थे। लेकिन इस केस में, डिस्क्रीट केस में, कॉन्वोल्यूशन जो है वो समेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट होता है, और कंटिन्यूअस टाइम में वो इंटीग्रल के माध्यम से रिप्रेजेंट होता था। तो अब सवाल आता है कि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स आते कहाँ से हैं, क्योंकि जो हमारे रियल लाइफ जो फिजिकल सिग्नल्स होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस टाइम में होते हैं। तो जो कंटिन्यूअस टाइम को डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं सैम्पलिंग, जिसके बारे में हम आज और अगले दो मॉड्यूल्स में सीखेंगे। तो आज है हमारा मॉड्यूल 10.4, जिसे हम कहते हैं इम्पल्स ट्रेन सैम्पलिंग। तो ये इम्पल्स ट्रेन सैम्पलिंग में जाने के पहले मैं आपको याद दिला दूं हमारे फूरियर सीरीज के डिस्कशन के बारे में, क्योंकि वहां पे भी हमने ऐसा ही कुछ प्रोसेस किया था। तो जैसा कि आपको याद होगा कि जो फूरियर सीरीज होता है वो पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए एग्जिस्ट करता है। तो अगर मेरे पास कोई पीरियोडिक सिग्नल है, जैसे कि सपोज मैं अगर एक टाइम एक्सेस लूँ और यहाँ पे एक्स ऑफ टी बनाऊं, और एक्स ऑफ टी को मैं मनाऊं, मान लूं कि एक्स ऑफ टी इज पीरियोडिक विथ टाइम कैपिटल टी। तो सपोज ये कैपिटल टी, 2t, 3t, 4t एंड सो ऑन, और उसी तरीके से लेफ्ट साइड में माइनस टी, माइनस 2t, माइनस 3t एंड सो ऑन। तो अगर मेरा ये जो सिग्नल है ये अगर पीरियोडिक है तो ये हर कैपिटल टी टाइम पे अपने आप को रिपीट करेगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये कुछ और भी हो सकता है, बट यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसे एज अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो हमारा सिग्नल है वो है इस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट का रेपिटेशन, यानी कि इस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट को लेके हम इनफाइनाइट टाइम्स हम पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में हम इसे रिपीट कर रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट है सिर्फ इतना, इसे हम अगर मान लें y ऑफ t, यानी कि जो y ऑफ t है वो जीरो से कैपिटल t के बाहर में जीरो है, और जीरो से कैपिटल t के बीच में वो सिर्फ इस सिग्नल के बराबर है। तो हमने देखा था कि हम लिख सकते हैं दैट x ऑफ t इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी y ऑफ t माइनस k कैपिटल t। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका y ऑफ t प्लस y ऑफ t माइनस t प्लस y ऑफ t माइनस 2t एंड सो ऑन, और उसी तरीके से प्लस y ऑफ t प्लस y ऑफ t प्लस 2t एंड सो ऑन। तो ये जो t माइनस कैपिटल t, t माइनस कैपिटल 2 वाले टर्म्स हैं वो हैं ये वाले सारे कॉपीज, और जो t प्लस कैपिटल t, t प्लस कैपिटल 2t और ऐसे जो टर्म्स हैं वो हैं ये लेफ्ट साइड वाले सारे कॉपीज। तो हम अगर x ऑफ t को अगर अब इस तरीके से लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y ऑफ t, तो अब हम अगर x ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो उसे भी हम y ऑफ t के फूरियर ट्रांसफॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हमने कैसे किया था? हमने इसको लिखा था इक्वल टू y ऑफ t कॉन्वोल्यूशन विथ समेशन k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल्टा ऑफ t माइनस kt। और फिर हमने इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया था। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म लेने से क्या होता है कि जो कॉन्वोल्यूशन है
वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। तो यहाँ पे हम अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल वाई ऑफ जे ओमेगा इनटू समेशन के इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी टू पाई बाय कैपिटल टी डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। ये जो हमारा ओमेगा एस है वो है टू पाई बाय कैपिटल टी। तो अब इस कैपिटल वाई ऑफ जे ओमेगा को भी हम इस समेशन के अंदर ले जा सकते हैं और फिर वो हो जाएगा समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी कैपिटल वाई ऑफ जे के ओमेगा एस इंटू टू पाई बाय टी डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। अब यहाँ पे के ओमेगा एस कैसे आया, क्योंकि इस टर्म को हम अगर अंदर ले जाएंगे तो अगर इसे हम डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेल्टा फंक्शन होता है वो तभी नॉन जीरो होता है जब उसका आर्ग्यूमेंट का वैल्यू जीरो हो, यानी कि ये तभी नॉन जीरो होगा जब ओमेगा इक्वल टू के ओमेगा एस होगा। तो कैपिटल वाई की जो वैल्यूज है बाकी ओमेगास पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी और सिर्फ हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू के ओमेगा एस। तो ये जो प्रोसेस है जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ये एक तरह का सैम्पलिंग प्रोसेस है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमारा जो कैपिटल वाई ऑफ जे ओमेगा है वो कुछ आर्बिट्ररी फूरियर ट्रांसफॉर्म है किसी भी फॉर्म का, तो हम उसे डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा से मल्टीप्लाई करके ओवर ऑल के हम सम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम उसे सैंपल कर रहे हैं और उसके हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे हम उसके सैंपल्स ले रहे हैं। और ये फ्रीक्वेंसीज क्या है, ये है जीरो ओमेगा एस, टू ओमेगा एस, थ्री ओमेगा एस एंड सो ऑन। वैसे ही ये माइनस ओमेगा एस, माइनस टू ओमेगा एस एंड सो ऑन। तो ये जो प्रोसेस है कैपिटल वाई को इस तरह के इंपल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करने का, इसे कहते हैं हम सैम्पलिंग प्रोसेस। और यहाँ पे जो सैम्पलिंग हो रही है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रही है। तो अगेन हमने क्या किया, हमने एक पीरियोडिक सिग्नल को लिया और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, तो हमें मिला कि जो पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो है उसका जो इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट है ये वाई ऑफ टी, उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म का इम्पल्स ट्रेन सैम्पलिंग। तो ये जो प्रोसेस है ये हम टाइम डोमेन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइम डोमेन में पीरियोडिक सिग्नल लिया, उससे हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में सैम्पलिंग आई। इसको हम अगर रिवर्स करेंगे तो हम अगर टाइम डोमेन में अगर सैम्पलिंग करेंगे तो हम पाएंगे कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो पीरियोडिक हो जाएगा। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। तो मान लीजिए हम एक सिग्नल लेते हैं जी ऑफ टी और उसे हम टाइम डोमेन में सैम्पलिंग करते हैं, यानी कि हमने लिया कोई एक सिग्नल, यह है जी ऑफ टी सम आर्बिट्ररी सिग्नल, और उसे हम टाइम डोमेन में हम इंपल्स ट्रेन सैम्पलिंग कर रहे हैं। और ये जो सैम्पलिंग कर रहे हैं ये है जीरो टी, टू टी, थ्री टी एंड सो ऑन। और फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी उसी तरीके से हम इसे सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा, सैम्पलिंग करने का मतलब होता है कि आप उस फंक्शन को एक इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन था वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में था, उसीलिए जो इम्पल्स ट्रेन थी वो भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में थी, लेकिन यहाँ पे हमने एक टाइम डोमेन फंक्शन लिया है तो उसे हम टाइम डोमेन के इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक नया सिग्नल आएगा जी पी ऑफ टी इक्वल टू द ओरिजिनल सिग्नल जी ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई अ इम्पल्स ट्रेन। तो टाइम डोमेन में जो इम्पल्स ट्रेन है वो हो जाएगी के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी माइनस के कैपिटल टी।
तो जो ये कैपिटल टी है हम इसे कहते हैं सैंपलिंग पीरियड, कि जो हमारे अलग अलग जो टाइम डोमेन में सैंपल्स हैं इनके बीच में जो टाइम गैप है दैट इज इक्वल टू कैपिटल टी। अब सवाल आता है कि इस सिग्नल को लेके हम अगर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो वो किस तरह का लगेगा। तो उसका हम अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो हम अगेन जैसे हम जानते हैं कि अगर टाइम डोमेन में हमारा कॉन्वोल्यूशन है तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, उसी तरीके से जो फूरियर ट्रांसफॉर्म की डुअलिटी प्रॉपर्टी है उसको यूज करके हम कह सकते हैं कि अगर हमारा अब टाइम डोमेन में अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारा कॉन्वोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई दो सिग्नल हैं, सपोज x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी, उन दोनों का हम अगर कॉन्वोल्यूशन ले रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनका हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, कैपिटल x1 ऑफ j ओमेगा और कैपिटल x2 ऑफ j ओमेगा का प्रोडक्ट। लेकिन हम अगर टाइम डोमेन में अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं x1 ऑफ t इंटू x2 ऑफ t, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनका कॉन्वोल्यूशन हो जाता है, बस एक फैक्टर 1/2π भी आ जाता है, x1 ऑफ j ओमेगा कन्वॉल्व विथ x2 ऑफ j ओमेगा। तो ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म की डुअलिटी प्रॉपर्टी, की जो एक तरह से ट्रांसफॉर्म करें तो आपको अगर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आती है तो आप उसी को रिवर्स करके आप उसकी दूसरी तरह की प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हैं। तो अब ये जो प्रिंसिपल है इसे हम अगर यहां पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीपी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1/2π इंटू कैपिटल जी ऑफ जे ओमेगा कन्वॉल्व विथ इस वाले टर्म का फूरियर ट्रांसफॉर्म। और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने पहले डिराइव किया था, तो ये है के इक्वल टू -∞ टू +∞ 2π/T डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। और ओमेगा एस क्या है, ओमेगा एस है हमारा 2π/T जिसे हम कहते हैं सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। तो अभी ये हमारा क्या हो गया, इसे हम अगर कन्वॉल्व करेंगे, अब ये जो समेशन है ये k के ऊपर है और कैपिटल g में k कहीं पे भी नहीं है, तो हम इसको हम इस समेशन के अंदर ले जा सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू -∞ टू -∞ जी ऑफ जे ओमेगा बाई कैपिटल टी इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन भी है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ डेल्टा ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। और ये 2π कहाँ गया, ये जो 2π है और ये 2π है दोनों आपस में कैंसल हो गए। तो अब अगेन हम जानते हैं कि अगर हम किसी फंक्शन को डेल्टा से अगर कन्वॉल्व करते हैं तो वो फंक्शन डेल्टा फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है वो इस फंक्शन में बस रिप्लेस हो जाता है। तो यानी कि ये जो रिजल्ट है ये आएगा, हम 1/T को बाहर ले जा सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो इक्वल टू के इक्वल टू -∞ टू -∞ जी ऑफ जे ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। तो हमारे पास हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल था जी ऑफ टी उसका अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म था जी ऑफ जे ओमेगा, तो जी ऑफ टी को हमने अगर इंपल्स ट्रेन से सैंपल किया, जिसका मतलब है कि हमने जी ऑफ टी को ऐसे एक फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्टेंट जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो हो जाएगा अगेन एक पीरियोडिक सिग्नल, जिसे हम निकाल सकते हैं किस तरीके से कि जो कैपिटल जी ऑफ जे ओमेगा है हम उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाएं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ओमेगा एस इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, और उन सबको हम अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास इस सैंपल्ड सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो उसे अगर हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, कि मान लीजिए कि आपका जो कैपिटल जी ऑफ
जे ओमेगा था, सपोज वो कुछ इस तरह का सिग्नल था, सपोज वो माइनस ओमेगा एम से प्लस ओमेगा एम तक नॉन जीरो था और बाकी सब जगह पे वो जीरो था, तो ये अगेन ये सिर्फ एक पिक्टोरियल डिपिक्शन है एक पर्टिकुलर सिग्नल का। ये जो कॉन्सेप्ट पर हम सीख रहे हैं ये किसी भी आर्बिट्ररी सिग्नल के लिए वैलिड है। तो अब ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है, इसे हम अगर एक्सपैंड करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई टी इंटू जी ऑफ जे ओमेगा प्लस जी ऑफ जे ओमेगा माइनस ओमेगा एस प्लस जी ऑफ जे ओमेगा प्लस ओमेगा एस फिर प्लस जी ऑफ जे ओमेगा माइनस टू ओमेगा एस प्लस जी ऑफ जे ओमेगा प्लस टू ओमेगा एस और इस तरह के हम अगर के के अलग अलग इंटीजर वैल्यूज लेते हैं तो ऐसे हमारे पास कई सारे टर्म्स आ जाएंगे। अब जो कैपिटल जी ऑफ जे ओमेगा है वो तो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, पर यहाँ पे हम फिर उसे अगर ओमेगा एस से अगर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास ये वाला टर्म आ जाएगा। तो उसे हम अगर शिफ्ट करेंगे यानी कि पहले जो उसकी सेंटर जो वैल्यू थी जीरो पे, अब वो सेंटर जो शिफ्ट होके वो ओमेगा एस पे आ जाएगी। तो सपोज आपका ओमेगा एस अगर यहाँ पे है तो आप उसी की कॉपी बना के आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ही टू ओमेगा एस, थ्री ओमेगा एस, फोर ओमेगा एस, उन सारे सेंटर फ्रीक्वेंसीज पे इसी तरह की कॉपी बन जाएगी और ये जो एंड है ये होगा ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम और ये जो होगा ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉपीज बनेंगी एट माइनस ओमेगा एस तो ये जो होगा ये होगा माइनस ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम और ये होगा माइनस ओमेगा एस माइनस ओमेगा। और एक और चीज आपको नोट करने की है कि ये जो हमारा सिग्नल था कैपिटल जी ऑफ जे ओमेगा हम उसको शिफ्ट भी कर रहे हैं लेकिन यहां से 1 बाई कैपिटल टी फैक्टर से स्केलिंग भी है। तो आपका कैपिटल टी अगर 1 से बड़ा है तो ये जो सिग्नल की हाइट है वो थोड़ी कम हो जाएगी और अगर कैपिटल टी अगर 1 से बड़ा है तो इसकी हाइट जो है वो अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। यानी कि जो आपका ओरिजिनल सिग्नल था उसकी हाइट अगर थी 1 तो आपके जो रिजल्टेंट जो कॉपीज हैं उनकी हाइट हो जाएगी 1 बाई टी। तो ये चेंज आपका होके इस तरह के कॉपीज बन जाएंगे। यानी कि हमने क्या देखा अभी कि फूरियर सीरीज का केस हमने जब देखा था तो वहां पे हमारे पास जो टाइम डोमेन सिग्नल था वो एक पीरियोडिक सिग्नल था, फिर उसका जब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला तो हमें मिला कि जो रिजल्टेंट फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो है एक सैंपल्ड वर्शन ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। लेकिन हमने जब इसी प्रोसेस को रिवर्स किया और हमने टाइम डोमेन में जब सैंपल किया बाय यूजिंग इंपल्स ट्रेन सैंपलिंग तो हमें मिला कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल है वो पीरियोडिक होता है और जो ओरिजिनल जो सिग्नल था उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर इस तरह का था बिटवीन माइनस ओमेगा एम टू ओमेगा एम तो जो सैंपल्ड सिग्नल है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम इस ओरिजिनल फूरियर ट्रांसफॉर्म के कई सारे कॉपीज बना सकते हैं एट सेंटर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस, टू ओमेगा एस, थ्री ओमेगा एस एंड माइनस ओमेगा एस, माइनस टू ओमेगा एस एंड सो ऑन, जिससे हमें उस सैंपल्ड सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। तो ये है एक बेसिक कॉन्सेप्ट सैंपलिंग का। पर यहाँ पे अभी भी देखें कि जो हमारा जो सैंपल सिग्नल आया ये अभी भी कंटिन्यूअस टाइम में ही एक्चुअली वैलिड है क्योंकि जी पी ऑफ टी का जो वेरिएबल है वो अभी भी टी है ना कि एन। तो इसे अगर आपको एक्चुअल में डिस्क्रीट टाइम में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, पहले हम जी ऑफ टी को लेते हैं, उसे फिर हम इम्पल्स ट्रेन सैम्पलिंग करके जी पी ऑफ टी बनाते हैं विच इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ के टी डेल्टा ऑफ टी माइनस के टी।
और इसे हम क्या करते हैं कि इसे एक्चुअल डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फिर आएगा जी डी ऑफ एन। तो उसको फिर क्या करते हैं कि हम सिर्फ जी के सैंपल्स की वैल्यूज ले लेते हैं एट टाइम्स इक्वल टू एन कैपिटल टी। तो यानी कि पहले हमने उसे इम्पल्स ट्रेन से सैंपल किया और फिर सिर्फ इन सैंपल की वैल्यूज ले ली और इस डेल्टा फंक्शन को हटा दिया, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि डिस्क्रीट टाइम केस में ये डिराक डेल्टा फंक्शन का कोई रोल नहीं होता है। डिस्क्रीट टाइम्स में टाइम केस में क्रॉनेकर डेल्टा का रोल होता है, जहां पे डेल्टा फंक्शन की जो मैग्नीट्यूड होती है वो यूनिटी होती है, ना कि इन्फिनिटी। तो अब ये सवाल आता है कि हम ये प्रोसेस कर क्यों रहे हैं, हमें कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को लेके हम डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो सिग्नल प्रोसेसिंग है वो हम कंटिन्यूअस टाइम में भी कर सकते हैं। तो इसका एक रीजन जो हमने आपको पहले बताया था वो ये है कि जो डिस्क्रीट टाइम डोमेन होता है वहां पे जो सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है वो काफी आसान होती है, क्योंकि जो डिस्क्रीट टाइम केस में जो सिग्नल प्रोसेसर्स आते हैं वो प्रोग्रामेबल प्रोसेसर्स आते हैं, यानी कि आप एक पर्टिकुलर यूनिट लेके कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग का उसको आप प्रोग्राम्स के द्वारा अलग अलग सिग्नल को अलग अलग तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर एनालॉग डोमेन में अगर प्रोसेसिंग करनी होगी तो हर बार आपको अगर अपना प्रोसेस चेंज करना है तो आपको पूरे सिस्टम को बदलना होगा, जो कि काफी कॉस्टली हो सकता है। लेकिन डिस्क्रीट डोमेन में आप उसी सिस्टम से सिर्फ प्रोग्रामिंग चेंज करके आप अलग अलग तरह के प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट टाइम केस में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स इज प्रोग्रामेबल प्रोसेसर्स। तो आप उसी सेम प्रोसेसर को आप अलग अलग प्रोग्रामिंग करके आप उसे अलग अलग वे में सिग्नल की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जो कि एनालॉग केस में पॉसिबल नहीं होता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि कोई आपका अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल अगर आता है तो हम उसे ए टू डी कन्वर्शन करते हैं। ए टू डी कन्वर्शन का मतलब है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन, ए का मतलब एनालॉग और डी का मतलब डिजिटल। ए टू डी कन्वर्शन करते हैं जिससे हमारे पास एक्स डी ऑफ एन आ जाता है, फिर उसको हम किसी डिजिटल प्रोसेसर में उसे हम इनपुट करते हैं, जिससे हमारे पास आउटपुट आता है वाई डी ऑफ एन, जो कि डिस्क्रीट टाइम होता है। फिर उसे अगेन हम डी टू ए कन्वर्शन करते हैं। डी टू ए का मतलब क्या हुआ, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन। फिर हमें उसका आउटपुट मिल जाता है वाई ऑफ टी, जो कि एक एनालॉग सिग्नल होता है। अगेन हमें डिस्क्रीट सिग्नल या डिजिटल सिग्नल को अगेन एनालॉग सिग्नल या कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम अगर सिग्नल को अगेन एक फिजिकल मीडियम में अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं, एयर के थ्रू या स्पेस के थ्रू, किसी भी फिजिकल मीडियम को यूज करके, तो हमें अगेन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की जरूरत है, क्योंकि एक्चुअली डिस्क्रीट सिग्नल इज अ मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन। एक्चुअल जो फिजिकल लाइफ जो होती है, जो रियल लाइफ होती है, वहां पे सारे सिग्नल जो होते हैं वो कंटिन्यूअस टाइम ही होते हैं। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इम्पल्स ट्रेन सैम्पलिंग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन के बारे में। अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर एक डिजिटल सिग्नल दिया हुआ है या एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया हुआ है तो उससे हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि इस मॉड्यूल में हमने ए टू डी कन्वर्शन के बारे में जाना कि अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है तो उससे हम एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैसे निकाल सकते हैं। अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो उससे हम एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के बारे में हम उससे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कैसे निकाल सकते हैं, और जो ये बीच में रह गया है डिजिटल प्रोसेसर, तो इसके बारे में हम अगले हफ्ते सीखेंगे। तो अभी हम अगले मॉड्यूल पे जाएंगे, मॉड्यूल 10.5 जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। थैंक यू।